नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड मुंबई ने निकाली रख दिया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड मुंबई ने बैंक मेडिकल ऑफिसर के 23 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास एमडी के साथ एमबीबीएस की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में वेटलैंड्स बचाने की कवायद हुई तेज। बिहार में वेटलैंड्स को संरक्षित करने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत बिहार के 133 बड़े वेटलैंड्स को संरक्षित किए जाने पर काम किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ही इनका समुचित प्रबंधन किए जाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, ये वैसे वेटलैंड्स है जो अतिक्रमण और उचित देखभाल नहीं होने के कारण विलुप्त होने के कगार पर थे। अब इन्हें अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि किसी भी मुसीबत के समय ये वेटलैंड्स किसी संकट मोचक की तरह काम करते देखे गए हैं। इन वेटलैंड्स पर इतने अधिक प्रजाति के जीव निर्भर रहते हैं कि इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जन्म आज ही के दिन बिहार के मधुबनी जिले के एक गांव बसैत चैनपुरा में धीरेन्द्र चौधरी के घर पर हुआ था, जो योगी भजन के योग गुरु थे, जिन्होंने पश्चिम में कुंडलिनी योग सिखाया और 3HO की स्थापना भी की थी। आपको बता दें कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम खूब प्रचलित हुआ था, क्योंकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के योग गुरु भी थे, जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही थी। उन्होंने दिल्ली, जम्मू कटरा और मेंटलई जम्मू और कश्मीर में आश्रम चलाए और योग पर किताबें भी लिखी हैं। बिहार को टेक्सटाइल उद्योग का हब बनाने का ऐलान किया उद्योग मंत्री ने। राज्य में उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभालने के साथ ही शाहनवाज हुसैन ने उद्योग के क्षेत्र में विकास को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में टेक्सटाइल उद्योग की असीम संभावनाएं हैं और राज्य में कोरोना काल के दौरान लौटे श्रमिकों में 70% टेक्सटाइल क्षेत्र से ही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में कपड़ा मंत्री रहने के दौरान उन्होंने जो भी अनुभव और संपर्क बनाए हैं, उनके बल पर बिहार में टेक्सटाइल उद्योग का हब बनाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही अप्रवासी बिहारी उद्योगपतियों को भी बिहार में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस घरेलू विमान किराया में किया गया 30% तक इजाफा। अब आपको घरेलू विमान से यात्रा करने में अपने जेब ढीले करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने अलग अलग रूट के लिए हवाई किराए का प्राइस बढ़ा दिया है, साथ ही विमानों के किराए में 30% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत न्यूनतम किराए में 10% और अधिकतम किराए में 30% की बढ़ोतरी की गई है। नई प्राइस बैंड के मुताबिक पटना से दिल्ली इकोनॉमी क्लास से जाने पर आपको 3300 से 11700 रुपए चुकाने होंगे, जबकि पहले यह किराया 3000 से 9000 रुपए तक का था। हालांकि इसमें एयरपोर्ट का यूजर डेवलपमेंट शुल्क, यात्री सुरक्षा शुल्क और जीएसटी शामिल नहीं है। इसके साथ ही एयरलाइन कंपनियों पर प्री कोविड लेवल के मुकाबले अधिकतम 80% क्षमता की सीमा को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्यभार संभालने के बाद नितिन नवीन ने जारी किया अपना बयान। पथ निर्माण विभाग का कार्यभार संभालने के बाद मंत्री नितिन नवीन ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम पर भरोसा किया है, उनके विश्वास पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि साल 2006 से बिहार में सड़कों के निर्माण का जो भी काम हुआ है, उसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिहार के युवाओं के लिए जो सपना देश के प्रधानमंत्री और सीएम ने देखा है, बिहार की 12 करोड़ जनता की अपेक्षा पर खड़ा उतरने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर योजना पर काम करेंगे। कृषि कानून के पक्ष में बोले नीतीश। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर कृषि कानून का समर्थन किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है, उनके खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है और केंद्र ने तीनों कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान यूनियन के साथ बातचीत करने का सही रास्ता अपनाया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन मुद्दों का समाधान हो जाएगा। आपको बता दें, केंद्र के 3 कृषि कानून को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन सब से विपक्ष को प्रचार करने का मौका मिल रहा है। उत्तर बिहार को मिलेगा एनएच का तोहफा। उत्तर बिहार को जल्द ही एनएच का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल को पटना से सुगम संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रीन फील्ड यानी कि एक नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिसकी शुरुआत वैशाली के बिद्दुपुर से होने वाली है, जो पूर्णिया में समाप्त होगी। पथ निर्माण विभाग अभी इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार के सहयोग से इस सड़क का निर्माण पूरा किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारतमाला परियोजना के तहत अभी गया के GT रोड से
पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ने के लिए बिहार का पहला एक्सप्रेसवे असम दरभंगा का निर्माण हो रहा है। इसका विस्तार जयनगर तक होना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 60 साल से ऊपर वालों को आईटी रिटर्न भरने से मुक्ति मिलने की कही गई बात। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2021-22 पर चर्चा के दौरान बजट को शानदार और विकासोन्मुख बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने वित्त मंत्री को धन्यवाद भी दिया और बधाई भी दी थी। इसके तहत उन्होंने कहा है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित रही, उस समय सबसे बड़ा लक्ष्य था कि कैसे भुखमरी और बीमारी से हिंदुस्तान के लोगों को बचाकर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लाया गया। 75 साल से ऊपर के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से मुक्त कर दिया गया है, जो सराहनीय कदम है। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि 75 की जगह 60 साल से ऊपर के लोगों को रिटर्न भरने से मुक्त किया जाएगा तो सीनियर सिटीजन को इससे बहुत लाभ होगा। अगरतला राजधानी अब चलेगी तेजस एक्सप्रेस के रूप में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे की तरफ से वर्तमान समय में चलाई जा रही अगरतला राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को तेजस एक्सप्रेस के रूप में चलाने का फैसला लिया गया है। वर्तमान समय में चलाई जा रही गाड़ी संख्या 02502025-01 अगरतला आनंद विहार अगरतला राजधानी स्पेशल को नए तेजस रेक के साथ चलाने की योजना बनाई जा रही है। इस ट्रेन के तेजस के रूप में बदलने से कटिहार, बरौनी और पाटलिपुत्र जंक्शन समेत पश्चिम बंगाल और यूपी के स्टेशन से आने जाने वालों को फायदा मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार तेजस का समय अगरतला राजधानी के पहले के समय से और वाणिज्य के ठहराव तथा परिचालन के दिनों के साथ चलाया जाएगा। जल्द ही पटना एम्स के पास बनेगा आरएसएस का सेवा सदन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने पटना एम्स के पास मरीजों और उनके परिजनों के लिए बनने वाले गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया। यह गेस्ट हाउस 2 एकड़ क्षेत्र में बनेगा, जिसमें 3 ब्लॉक होंगे। पहले चरण में 200 बेड होंगे, जिसके बाद आगे बेडों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 3 मंजिला में बनाया जा रहा आरएसएस के इस गेस्ट हाउस में फिलहाल मरीजों और उनके परिजनों को मामूली खर्चे में रहने की सुविधा मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि यह सेवा सदन को डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के द्वारा बनाया गया है। यहां मामूली खर्च पर रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। आरएसएस द्वारा मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में भी इस प्रकार के सेवा सदन बनाए जा चुके हैं। तेज प्रताप ने वर्णमाला की मदद से गिनाए घोटाले। अक्सर ही नीतीश कुमार, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के शैक्षणिक योग्यता पर मजाकिया तंज कसते रहते हैं, मगर इस बार लालू यादव के दोनों पुत्र ने इस पर पलटवार किया है। तेज प्रताप यादव ने घोटालों को हिंदी वर्णमाला से जोड़ते हुए उसका मतलब समझाया है। उन्होंने कहा है कि क से किसान क्रेडिट घोटाला, ख से खाद घोटाला, ग से ग्रामीण बैंक घोटाला करने वाले नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के शासनकाल में जितना घोटाला किया है, उतने तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी नहीं है। वहीं उनके भाई तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना में किस तरह से घोटाला हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। टेस्टिंग के झूठे दावे के पीछे का खेल अब सामने आया है कि फर्जी टेस्ट दिखाकर नेताओं और अधिकारियों ने अरबों रुपयों की भारी बंदर बांट की है। इस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने की खास अपील। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने सभी मंत्रियों को मिलजुल कर बिहार में विकास के लिए काम करने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने विकासशील पार्टी और हम को नए मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिए जाने पर एनडीए का मसला करार दिया है। अजीत शर्मा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने सैयद शहनवाज हुसैन को प्रदेश के उद्योग मंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में भी हुए एग्रो बेस्ड कारखाना लगवाकर बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएं। सलमान खान के काला हिरन मामले में जोधपुर सेशन कोर्ट ने दिया झटका। सलमान खान की तरफ से काले हिरन के अवैध शिकार मामले में राजस्थान के जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की इस याचिका को पहले निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि जून 2019 में एक निचली अदालत ने सलमान खान को गलत एफिडेविट दाखिल करने के आरोप से मुक्त कर दिया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले बीते मंगलवार को सलमान खान ने इस मामले में झूठा हलफनामा जमा कराने के लिए यह कहते हुए माफी मांगी थी कि यह सब गलती से हुआ था। सुनील गावस्कर ने जो रूट को लेकर दिया अपना बयान। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 4 टेस्ट मैच की सीरीज में पहला मैच इंग्लैंड ने अपने नाम दर्ज किया है। वहीं इस मैच में जो रूट की बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। इतना ही नहीं, जो रूट की पारी को देखने के बाद उन्हें बेस्ट बल्लेबाज भी कहा गया है। हालांकि भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का यह नहीं मानना है। उन्होंने जो रूट को विश्व का बेस्ट बल्लेबाज कहे जाने पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो विश्व के बेस्ट बल्लेबाज हैं। हालांकि उन्होंने आगे जो रूट की तारीफ करते हुए कहा कि जो रूट के दोहरे शतक में सबसे अच्छी बात यह थी कि वो शुरुआत से ही काफी कॉन्फिडेंट थे और वो आगे खेलने या पीछे खेलने को लेकर भी बहुत पॉजिटिव थे। वो इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि जब वो आगे की तरफ हैं तो टर्न की स्मूथिंग कर रहे थे और जब वो पीछे थे तो टर्न को स्मूथिंग कर रहे थे और जब वो पीछे थे तो वो तय कर रहे थे कि उनके पास गेंद को कट या पुल करने के लिए
रूम हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृषि कानून को कृषि के पक्ष में बताने के बयान से आप सहमत है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।